हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको शुरू से लेकर ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग क्या है और ट्रिगोनोमेट्री का हम कहाँ कहाँ यूज में लाते हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। और इस वीडियो में हम आपको एंगल क्या होता है और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री मुख्यतः दो वर्डों से बना है। एक होता है त्रिगोण और दूसरा वर्ड है मेट्रोन। त्रिगोण का मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो त्रिगोण त्रिभुजों की भुजाओं को मापना को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसमें हम त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के मेजरमेंट को, एंगल को क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक, इसका उपयोग मुख्यतः विज्ञान में होता है, भूकंप शास्त्र में होता है, विद्युत परिपथ के डिजाइन में होता है, और वो के अवस्था के वर्णन में किया जाता है, और ज्वार जो समुद्र में उठता है उसमें किया जाता है। ठीक, अब हम आपको एंगल के बारे में बताएंगे। एंगल कोण क्या होता है? कोण वो माप होता है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के विपरीत घूमने पे बनता है। मान लीजिए हमारी एक किरण क्या है, ओ ए है। ठीक, हमारी किरण क्या है, ओ है। ठीक, ओ ए क्या है, प्रारंभिक स्थिति में है। ठीक, और यहाँ से ओ ए को हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक स्थिति से घुमाकर इसको ओ बी पे करते हैं। ठीक, ओ बी पे आएगा तो ए ओ से लेकर ओ बी के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसे थीटा से दर्शाते हैं। किसी भी कोण को हम मुख्यतः दो मात्रक में नापते हैं, एक होता है डिग्री, दूसरा होता है रेडियन। ठीक, जो डिग्री होता है, डिग्री को हम अंश से दर्शाते हैं। एक डिग्री इक्वल टू हमारा 60 मिनट होता है, और एक मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। उसी प्रकार जो आपका रेडियन होता है, रेडियन रेडियन ज्ञात करने के लिए, जो मान लीजिए ये ओ ए रेखा है, तो यहाँ से जो ओ ए की दूरी है उतना ही अगर हम चाप लेते हैं तब उसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं, एक रेडियन कहते हैं। हम आपको बता दें, रेडियन को 1 के पावर c से डिनोट करते हैं। ठीक, और इन दोनों के बीच में आपस में संबंध, डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध जो होता है, 1 रेडियन इक्वल टू 1/18 अपान पाई होता है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। ठीक, देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC। ठीक, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बी सी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और एसी को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। देखिए कोण किसको कहा जाता है, किसी भी त्रिभुज में। ठीक, मान लीजिए ये त्रिभुज है। ठीक, इसमें जो 90 एंगल पे होता है, 90 एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और अगर मान लीजिए हमारी ये थीटा है, ठीक, और कोण के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक, और जिस पे थीटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक, तो हम आपको बता दें, इसको याद करने के लिए, रेशियो को याद करने के लिए एक ट्रिक होता है। ठीक, वो ट्रिक होता है ए लाल बटा कक्का। ठीक, जहाँ इसका 3 वो होता है, कोण होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
तो साइन थीटा का पहला ट्रिक आजमाते हैं, जो वन नंबर पे है लाल बटा का तो एल बटा के, ठीक एल बटा के। एल का क्या अर्थ होता है? लॉम्ब। के से क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? लॉम्ब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक। उसी प्रकार हमारा कॉस थीटा का क्या होता है? ए अपान के, ए से आधार अपान कोण, ठीक। उसी प्रकार टेन थीटा का क्या होता है? एल बटा ए, यानी इसको थर्ड नंबर पे जो आता है, तो इसका क्या हो गया? लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार कोसेक कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा के, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी के बटा एल हो जाएगा यहाँ पर, कर बटा लॉम्ब। उसी प्रकार सेक थीटा जो होता है वन बटा कॉस होता है, मतलब कॉस का उल्टा होता है, यानी इसमें कॉस का क्या होता था? ए बटा के, तो इसका क्या होगा? के बटा ए हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? वन बटा टेन थीटा, यानी आधार बटा लॉम, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक रूल जाना। अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उसके एक एक रूल के बारे में पढ़ाएंगे, 0 से लेकर 90 तक के बीच के कोण का मान कैसे निकाला जाता है, एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहीं पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। धन्यवाद।